students, welcome to Gyanmanjari Modern English School. I am Dave Krupa. I am going to teach you a GK subject. So in previous lecture we learned about the famous places in India. Okay, so now open your book, page number 14. Today we are going to start a new chapter. The title is Indian Heritage. Okay, ye lesson mein hum Indian Heritage ke bare mein padhenge. Theek hai? So now ready with your pencil. We are going to do the exercise that is given in your book. The instruction is given. Read the instruction. Places described here are famous for some reason. Read and associate the places with their descriptions. Kya hai ki jo places ke naam diye gaye hain wo ye kin kin cheezon se famous hai wo blank mein likhna hai ki ye kaun si place hai jo ye cheez se famous hai. The question, in the question it is given the famous reason, some reasons for which they are famous. वो लिखना है कि ये कौन सी प्लेस है जो इससे जानी जाती है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट ओनली आंसर इन द बोर्ड. यू जस्ट हैव टू कॉपी. ओके, सो नंबर वन इज इट इज इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑफशोर एरिया इन द अरेबियन सी नियर मुंबई. India's first self-propelled drilling ship Sagar Samrat had begun exploration of oil here. Kya hai India ki offshore area ki Arabian Sea ke paas hai aur kahan pe hai Arabian Sea? The Arabian Sea ke paas, Mumbai ke paas hai. Aur wo kaun hai, to kaun si place hai jo first propelled drilling ship, kaun hai, which ship, naam kya diya gaya hai? Sagar Samrat. वो उसका exploration वो यहाँ से शुरू हो रहा है. exploration यानी उसका बेचना वो यहाँ से शुरू हुआ था. तो which place it is? It is Bombay Harbour. So the first answer is Bombay Harbour. Then number two, it is said to be the gateway of Fatehpur Sikri built by Akbar. क्या है गेटवे इसको बोला जाता है, कहाँ का? फतेहपुर सिकरी जो अकबर ने बनाया था. Its height is 175 feet and it is highest gate in the world. ये दुनिया का सबसे highest gate माना जाता है. तो which is it? कौन सा है वो? हमें ये क्लू दिए गए हैं ब्रैकेट्स में, ये येलो ब्रैकेट में, उसमें से हमें आंसर चूज करके लिखना है. तो सेकेंड आंसर में क्या आएगा? बुलंद दरवाजा. सो द स्पेलिंग इज BULANDI बुलंद दरवाजा. DARWAZA बुलंद दरवाजा. देन नंबर थ्री. Number three is, this is located on the Odisha coast near Balsor. It is known for launching of intermediate range ballistic missiles such as Prithvi, Aksh and Agni. कौन सा है, कहाँ आया है? In the Odisha coast. कहाँ पे है? बलासोर के पास. And कौन, किसके लिए जाना जाता है? Intermediate range blasting missiles. Such as के नाम भी दिए गए हैं. किन किन के नाम है? पृथ्वी, अक्ष, अग्नि. तो कौन सी प्लेस है? चंदीपुर. CHANDI चंदीपुर. PUR. ओके, देन नंबर फोर. इट इज द 400 ईयर ओल्ड हिस्टोरिक लैंडमार्क ऑफ हैदराबाद इन आंध्र प्रदेश. क्या है ये? 400 साल पुरानी लैंडमार्क है. कहाँ पे है? इन हैदराबाद. हैदराबाद कहाँ है? इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो कौन सी है वो? विच प्लेस इट इज? चार मीनार. क्या है? चार मीनार. ओके, देन नंबर फाइव. नंबर फाइव इज इट इज एशियाज बिगेस्ट मॉस्क्यू एंड इज सिचुएटेड इन दिल्ली.
एशिया का सबसे बड़ा मॉस्कियान की मस्जिद है और वो दिल्ली में आया है, तो वो कौन सा है? जामा मस्जिद, JAMA, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। देन नंबर सिक्स, इट इज द सीट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, इट इज सिचुएटेड नियर पुणे महाराष्ट्र। किसकी सीट है ये? नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी की सीट है और वो कहाँ आया है? पुणे महाराष्ट्र में। तो कौन सी है वो? विच इज इट? इट इज खड़क वसला। सो द आंसर इज के एच ए डी ए के बी ए एस एल ए, खड़क वसला। देन नंबर सेवन, नंबर सेवन इज इट इज सिचुएटेड इन पाटन गुजरात, ये पाटन में आया है, गुजरात में, गुजरात स्टेट में। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया है, किसने दिया है? यूनेस्को इन 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया है। इट इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ वाटर स्टोरेज सिस्टम, पानी के स्टोर करने का जो सिस्टम है उसका ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो कौन सी प्लेस है ये? रानी की वाव, आर ए एन आई रानी, के आई ई वाव, वी ए वी, रानी की वाव। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट सेवन आंसर्स, कॉपी इट फास्ट, आफ्टरवर्ड यू विल डू द रिमेनिंग वर्ड्स। ओके,
Now we are going to do number 8. In the next page, page number 15, number 8 is, the place is situated 16 km west of Cherrapunji and is currently the rainiest place in the world. क्या कौन सी प्लेस है जो 16 किलोमीटर चेरापुंजी से वेस्ट साइड से होती है और वो उसे अभी रेनीएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा रेनफॉल वहां पे होता है ऐसा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल वहां पे होता है ऐसा माना जाता है तो विच प्लेस इट इज मिजोरम विच प्लेस इट इज मिजोरम एम ए W S Y R A M Mizoram. Okay, which place it is? Mizoram. Then number 9. Which place in
केरला और वो वहां पे लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है. विच प्लेस सबरीमाला एस ए बी ए आर आई एम ए एल ए सबरीमाला. ओके देन नंबर 15. नंबर 15 इज दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आया है एंड इट इज फेमस फॉर टाइगर्स. ये टाइगर्स के लिए फेमस प्लेस मानी जाती है. तो कौन सी है सारिका. कौन सी है सारिका. सारिका. देन नंबर 16. इट इज वेल नोन टूरिस्ट सेंटर इन कर्नाटक. ये कौन सा है टूरिस्ट सेंटर है कर्नाटक का. इट इज फेमस एज द टॉलेस्ट ग्रेनाइट मोनोलिथिक स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वरा गोमतेश्वरा इन एशिया. विच इज इट श्रवण बेल गोला. श्रवण बेल गोला. तो स्पेलिंग इज एस एच आर ए वी ए एन ए वी ई एल ए G-O L A. ठीक है श्रवण बे होला. देन नंबर 17. नंबर 17 इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच सप्लाइज अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर कॉल्ड एज अक्षय पात्र. क्या है ये न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या सप्लाई करता है अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और उस वजह से उसे अक्षय पात्र बोला जाता है. तो विच प्लेस इट इज कल्पाकम के ए एल कल्पाकम. Now, number 18. Number 18. Traditional bamboo hut kumbe. These are made of waterproof leaves. ये waterproof leaves से बना है और उसे traditional bamboo hut ऐसे बोला जाता है. Which it is named as kumbe. तो which is it at Aizawl? Aizawl. Okay. Then number 19.
नाइन इज दिस द कंट्रीज प्राइम और स्पेस लॉन्च सेंटर इज लोकेटेड इन दिस टाइनी आइलैंड ऑन इंडियाज ईस्ट कोस्ट इन आंध्र प्रदेश. क्या है द कंट्रीज प्राइम और स्पेस? द कंट्रीज प्राइम और स्पेस लॉन्च, यहाँ पे लॉन्च सेंटर है प्राइमर स्पेस का और ये टाइनी आइसलैंड इंडिया के ईस्ट कोस्ट के आंध्र प्रदेश में आया है. तो विच इज ए श्रीहरिकोटा. SRIHARIKOTA श्रीहरिकोटा. ओके देन नंबर 20. नंबर 20 इज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. दिस टेम्पल इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश. ये टेम्पल आंध्र प्रदेश में आया हुआ है एंड इज नोन एज द फेमस श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल. ये फेमस किसके नाम से जाना जाता है? श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल के नाम से जाना जाता है. एंड अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ ड्रेविडियन आर्किटेक्चर. ये ड्रेविडियन आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर एग्जाम्पल है. तो विच प्लेस इट इज? तिरुपति. सो द आंसर इज तिरुपति. तिरुपति. ओके सो दिस आर द आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 12. ओके क्या है? तिरुपति इज द करेक्ट आंसर. ओके कॉपी इट फास्ट, आफ्टरवर्ड्स वी विल रिवाइज. Now look at the board. We will revise it. Number one is, it is India's most promising offshore area in Arabian Sea near Mumbai. It's India's first self-propelled drilling ship. Sagar Samrat has begun exploration of oil here. Which place it is? Bombay Heights. So the answer will be Bombay Heights. Then number two, it is said to be a gateway of Fatehpur Sikri built by Akbar. Its height is 175 feet and it is the highest gate in the world. Which is it? Buland Darwaza. So the answer will be Buland Darwaza. Then number three, this is located on the Odisha coast near Belasur. It is known for launching the intermediate range ballistic missiles such as Prithvi, Aksh and Agni. Which place it is? Chandipur. C-H-A-N-D-I-P-U-R. Chandipur. Then number 4. It is the 400 years old historic landmark of Hyderabad in Andhra Pradesh. Which was it? Charminar. So the answer will be Charminar. Then number 5. It is Asia's biggest mosque. It is situated in Delhi. Which is the Asia's biggest mosque? Sabse badi masjid kaun si hai? It is Jama Masjid, which is located and is situated in Delhi. Then number 6. It is the seat of National Defence Academy. It is situated near Pune, Maharashtra. Which place it is? Kada Kwasla. K-A-K-J-D-A-K-V-A-S-L-A. Then number 7. It is situated in
हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को द्वारा और इन विच ईयर इन 2014 एंड इट इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ वाटर स्टोरेज सिस्टम. ये वाटर स्टोरेज सिस्टम के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. विच प्लेस इट इज रानी की वाव. Then number 8. Now turn the page, page number 15. Number 8 is given in page number 15. Read the question. This place is situated 16 km west of Cherrapunji and is currently the rainiest place in the world. Yeh 16 km west se hota hai. Kahan se? Cherrapunji se. And wo abhi sabse rainiest hai. Ki sabse jyada rain wahan pe hoti hai. Pure world mein aisa mana jata hai. Toh which place it is? Mizoram, MAWSYRAM. Then number 9. This ancient town is located in Haryana. ये हरियाणा में आया हुआ है. It was once the battlefield mentioned in the Mahabharata. It was here that Lord Krishna had delivered his message of Gita. Which place it is? Kurukshetra. KURUKSHETRA. Then number 10. This handloom and cotton textile center is famous for Meenakshi temple. Which place it is? Madurai. MADHURAI. Then number 11. This place in Madhya Pradesh is known for the newsprint mill owned by the government. Which place it is? Nepa Nagar. NEPANAGAR. Nepa Nagar. Then number 12. This place is known for the Intrigal coach factory. It is situated in Tamil Nadu. Which place it is? Chennai. CHENNAI. Then number 13. This is the site of India's peaceful nuclear test. Ye India ki peaceful nuclear test ki site hai. Which place it is? Pokhran. P-O-K-H-A-R-A-N. It is famous pilgrimage center situated in the hilltop in Salvan. Surroundings in Kerala. It is devoted to Lord Ayappa. Which place it is? Sabarimala. S-A-B-A-R-I-M-A-L-A. Sabarimala. Then number 15. This Lake National Park is located in the Alwar district in Rajasthan. It is famous for tigers. Which place it is? Salka. Which place it is? Salka. Then number 16. It is a well-known tourist center in Karnataka. It is famous as the tallest granite monolithical statue of Gomteshwara in Asia. Which place it is? It is Shena Vibloga. Then number 17. The nuclear reactor which supplies unlimited electricity and therefore called as Akshay Patra. जिसे अक्षय पात्र के नाम से जाना जाता है वो कौन सी जगह है? कला पकम. सो द स्पेलिंग इज KALPAKAM. Then number 18. Number 18 is, this is known for the traditional bamboo head, kumbeu. This are made of waterproof leaves. ये waterproof leaves से बना गया है. Which place it is? Aizawl. AIZAWAL. Aizawl. The country's primer space launch center is located in this tiny island on India's east coast in Andhra Pradesh. Which place it is? Sarikata. SRIHARIKOTE. Then number 20. The temple is situated in Andhra Pradesh. ये Andhra Pradesh में आया है and also known as the famous Sri Venkateshwara temple. ये Venkateshwara temple के नाम से जाना जाता है and a fine specimen of Dravidian architecture. ये Dravidian architecture का सबसे अच्छा example है. Which place it is? Tirupati. Okay, so these are the answers of lesson number 12. Okay, we are ending our lecture here. In the next lecture, we learn about the famous persons and places. Till the next lecture, have a nice day. We'll be right back.